हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया एक और नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट फ्री सर्वर का। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला एक और नया फ्री सर्वर के बारे में। तो उसका नाम है गेम फॉर फ्री। तो उस सर्वर के बारे में आज मैं बताने वाला। और जैसे आपको पता है कि मैं एक और सीरीज चल रहा है मेरा लाइव स्ट्रीम का बनाने का, तो उसका मैं नेक्स्ट में डालूंगा। तो चलते हैं इसका डिस्कॉर्ड में। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करना है इनका डिस्कॉर्ड में तो ज्वाइन कर लीजिए। इनमें नोटिफिकेशन इससे बात रहता है। तो इनका पैनल का नाम भी गेम फॉर फ्री है, गेम फॉर फ्री। तो ज़्यादा ना वेट करते, इनका अनाउंसमेंट से आप लोग चेक कर लीजिए जो करना है। इनका अनाउंसमेंट में इनका लिंक भी है, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग इनका लिंक ये सब कहाँ से मिलेगा आप लोग को, तो आप लोग कुछ ये करना, आप लोग का सिंपली जाना मेरे डिस्कॉर्ड में। मेरे डिस्कॉर्ड में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे माइनक्राफ्ट का एक मिलेगा सेक्शन, वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे पहले आपको ब्राउजर चैनल दिखा, वहाँ पे जाकर सारा ऑन कर लीजिएगा, नहीं दिखेगा तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे माइनक्राफ्ट देगा, माइनक्राफ्ट एमसी माइनक्राफ्ट सर्वर दिखेगा लिंक वाला। तो यहाँ पे आप लोग को सारा फ्री सर्वर आप लोग को दिखेगा। फ्री सर्वर हो गया, पेड सर्वर का भी नोटिफिकेशन इसमें डालता कई बार जिसका कम रहता है। तो अगर आप लोग को यहाँ से जाके लिंक आप लोग को ओपन कर लेना है गेम फॉर फ्री का पैनल का, ज्वाइन होके पैनल का और डिस्कॉर्ड का भी लिंक उसी में मिल जाएगा आप लोग को। तो वहाँ पे जाके आप लोग माइनक्राफ्ट जावा बेड रॉक ट्रॉल ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट कुछ भी आप लोग खेल सकते हैं इसमें सर्वर बना के। तो मैं माइनक्राफ्ट जावा पे सिलेक्ट करता हूँ। माइनक्राफ्ट जावा पे सिलेक्ट करके इधर फिर नीचे जाता हूँ। नीचे जाके क्रिएट ए फ्री सर्वर पे क्लिक करना है। करने का तो आप लोग को यहाँ पे आएगा भरने के लिए, तो ये सब भर लीजिएगा। यूजर नेम रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है, तो रजिस्टर पे कर लीजिएगा। तो आप लोग को यूजर यूजर सब कुछ डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया। और यहाँ पे आप लोग को यूजर में सारा स्मॉल लेटर में डालना है, क्योंकि स्मॉल लेटर के में ही आप लोग का लॉगिन होगा, वरना ऐसे लॉगिन नहीं होगा। तो ये सब हो जाएगा, तो लॉगिन पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक ईमेल पे मैसेज आएगा, ईमेल वेरीफाई का साथ मैसेज आता है इसमें। तो पहले लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है ईमेल पे मैसेज आया, तो हम लोग को ईमेल चेक करना है। तो यहाँ पे मेरा मेल आ गया है, तो इसमें क्लिक करके जाता है डायरेक्ट वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देना, या फिर लिंक पे लिंक में भी क्लिक करके चलेगा। तो ये सब हो जाएगा, बाद रिफ्रेश कर देना उस टैब को जहाँ पे आप लॉग इन कर रहे थे, वहाँ पे वापस अपना ईमेल पासवर्ड डाल के वापस लॉग इन करना है। लॉग इन करके बाद आप लोग को कुछ स्टेप्स आएगा, सर्वर लिस्ट लिखा हुआ, तो क्रिएट क्लेम योर फ्री पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे जाके आप लोग कौन सा सर्वर क्रिएट करना है सिलेक्ट कर लेना, और सर्वर का नाम लिख देना है। लिखने के बाद इतना आप लोग को क्रिएट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना आप लोग को। क्रिएट करेगा तो आप लोग को ऐड आएगा, तो ऐड को देखने के बाद आप लोग का सर्वर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो जाने के बाद आपका सर्वर का ये दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे सर्वर आ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा क्या क्या है, मेमोरी सब कितना का है आप लोग का, स्टोरेज कितना है, ये सारा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे स्टोरेज हम लोग का 5 GB दिया है, लोकेशन जमरी का है, नोट है दिया हुआ है, और सर्विस अभी ऑफलाइन था, लोग का सर्विस स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पर लोग ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे वर्जन चॉइस का भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर कौन सा आप लोग को चाहिए वो चॉइस करने का आएगा। आप लोग को जो भी वर्जन चाहिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना पहले, जैसे मैं 20.1 पे सिलेक्ट करके इंस्टॉल पे कर लेता हूँ क्लिक। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉल्ड। कंप्लीट हो गया, थ्री डॉट पे क्लिक करके कंसोल में चलते हैं। कंसोल में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्वर को कर देना स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर जब स्टार्ट हुआ तब तो उसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइए कुछ अगर इशू हो। अगर आप लोग को ऐसे कोई होस्टिंग होस्ट करवाना है तो मेरे डिस्कॉर्ड में जाकर टिकट क्रिएट करके आप मुझे बोल सकते हैं कि आप लोग को होस्ट कराना है, इसका मतलब प्रमोट कराना है, तो मैं प्रमोट कर दूंगा।
तो यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है, तो एग्री पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग का लगभग वर्क सर्वर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा वीडियो को, टाइम क्योंकि ले लेता है स्टार्ट होने में थोड़ा। तो यहाँ पर उनका सर्वर स्टार्ट हो गया। तो अब चलते हैं, इधर देख सकते आप लोग ऊपर में रिन्यू वर्क का टाइम दिख रहा है, 2 घंटे बाद आप लोग का सर्वर बंद हो जाएगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसको टाइम बढ़ाने के लिए आप लोग किसका ऐड टाइम आप लोग को देखेंगे तो ऐड आएगा, तो उसको देख के आप लोग टाइम इतना बढ़ा सकते हो। यहाँ पे वापस ऐड देखने के लिए आप लोग को 6 मिनट वेट करना होगा। ऐसे ऐसे करके आप लोग कितने टाइम आप लोग ऐड कर सकते सोच सकते हैं। इसलिए आप लोग को एक दिन इसको ऐड करते हैं तो टाइम तो आराम से आप लोग 3-4 दिन का पूरा टाइम सेट करके रख सकते हैं। वापस 3-4 दिन के बाद आप लोग वापस रिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे आप चलते प्लगइन वाली अपलोड कर लेते हैं, थ्री डॉट पे जाकर वहाँ पे क्लिक करके फाइल अपलोड कर देना जो प्लगइन आप लोग को चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे फोन में चलाना तो गीजर है, स्पीड फ्लोर गेट और वीगा बैकबोर्ड, ये चार चाहिए। तो यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो एक एक सिलेक्ट करके मुझे अपलोड करना होगा। तो मिलते हैं सारा अपलोड करने के बाद आप लोग से। तो यहाँ पे चारों अपलोड हो गया, तो करते वापस सर्वर को एक बार रीस्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया स्टार्ट। तो चलते जैसे कॉन्फ़िगर हम लोग को करना, तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जैसे स्पीड सेटअप करना होता है तो सेटअप कर लेते हम लोग। अगर आप फर्स्ट टाइम सर्वर बना रहे हो तो आप लोग को जैसे पता होगा कि गीजर का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये सेटअप करना होता है इसमें, गीजर में गीजर का जो फाइल को क्रिएट होता है उसको कॉन्फ़िगर YTML रहेगा जो गीजर वाला के अंदर। तो वहाँ पे जाके आप लोग को कॉन्फ़िगर करना होता है और पोर्ट सब सारा चेंज करना होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो सारा देख के आप लोग कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक और पोर्ट आप लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे 6 की जगह 7 कर देना याद से। राइस मिले तो राइस पे आप लोग यहाँ पे डाल देते हैं फ्लू गेट। और ये सब हो जाने तक सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग यहाँ वापस जाना है होम में कंसोल में, कंसोल में जाकर तो वापस वाइज स्टार्ट बना देना है। तो चलता हूँ सर्वर रीस्टार्ट होता है, तो सब लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही ऐसे नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे सबसे पहले आप लोग को आए नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग का 4 घंटा का ये है सर्वर ऑन रहेगा, जब तक तो कोई नहीं ज्वाइन करेगा तब तक। तो यहाँ पे मतलब सर्वर स्टार्ट हो गया, तो चलते गेम के अंदर। तो यहाँ पे मेरा लॉगिन लेने का वेट करते हैं। तो यहाँ मेरा लॉगिन हो गया, तो चलते प्ले पे सर्वर पे।
हम नीचे जाना है एड न्यू सर्वर, जो आईपी पोर्ट है उसको आप लोगों को पेस्ट कर देना, एड्रेस ऑफ पोर्ट, एड्रेस को यहाँ पर डालना, पोर्ट नीचे काट के जो पोर्ट है 27103 उसको ऊपर में से डालना है 03, और ऊपर जो सर्वर एड्रेस है उसका पोर्ट काट देना। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये रहा हमारा सर्वर, तो कहता है ज्वाइन। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना जल्दी हम लोग का सर्वर लोड ले लिया तुरंत। आज तक कोई भी सर्वर इतना जल्दी लोड नहीं लिया, लेकिन जितना ये ले लिया। फ्री सर्वर का पिंग तो अच्छा है इसका, आप लोग आराम से खेल सकते हो इसके अंदर। SMP आप लोग अगर खेलना चाहते हो, SMP या फिर स्काई ब्लॉक आप लोग खेलना चाहते हो, वन ब्लॉक बना के खेलना चाहते हो, ये भी खेल सकते हो आप लोग। इसलिए तो चलते अपने आपको ऑपरेटिव डालते। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर में प्लेयर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे ऑपरेटर डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हो। तो मैं यहीं से ऑपरेटर ले लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये मुझे मिल गया ऑपरेटर यहाँ से काट के। तो चलते हैं गेम मोड क्रिएटिव में कर लेते हैं, स्लैश गेम मोड क्या हुआ है, मोड क्रिएटिव सीआर क्रिएटिव इंटरेस्ट क्रिएटिव मोड में। तो चलते हैं सर्वर को जो है हम लोग टेस्ट करते हैं TNT24 के। तो यहाँ पे सोचते हैं यहाँ पे ये करके, तो यहाँ पे मैंने सोचा था यहाँ पे फुल फिल करूँगा, तो पता नहीं कमांड एरर दिखा रहा, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग अपना ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का लैग नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, इसलिए पूरा फूट गया है। तो यानी कि सर्वर आप लोग का स्ट्रॉन्ग सर्वर है। तो मिलते हैं आप लोग से ऐसे नए नए वीडियो के साथ, तब तक सब लोग देखते रहे हमारे वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है। डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर रहेगा तो ऐसे ऐसे अपडेट आते रहेगा, कुछ इशू है आएगा तो मेरे डिस्कॉर्ड में आके बता सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक से बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।